विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि संगठन भारत बायोटेक से कोवैक्सीन पर एक अतिरिक्त जानकारी की उम्मीद कर रहा था, जिसकी जांच WHO के विशेषज्ञों द्वारा आपातकालीन सूची के लिए की जा रही है। इस जानकारी मिलने की उम्मीद जल्द की जा रही है। WHO ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है कि इमरजेंसी यूज के लिए लिस्टिंग होना इस बात पर निर्भर था कि कितनी जल्दी वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है। WHO ने कहा है कि हम जानते हैं कि बहुत से लोग कोवैक्सीन को COVID-19 इमरजेंसी उपयोग की सूची में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपातकालीन उपयोग के लिए किसी उत्पाद की सिफारिश करने से पहले हमें अच्छी तरह यह मूल्यांकन करना चाहिए कि यह सुरक्षित है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोवैक्सीन निर्माता कंपनी बायोटेक रूलिंग के आधार पर WHO को डेटा सबमिट कर रही है। विशेषज्ञों के द्वारा इन आंकड़ों की समीक्षा की गई है। WHO कंपनी से अतिरिक्त जानकारी की उम्मीद कर रहा है। WHO का इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर की एक समय सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कितनी जल्दी वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभाव, साथ ही मध्यम आय वाले देशों के लिए इसके उपयुक्त होने का मूल्यांकन करने के लिए WHO को आवश्यक डेटा प्रदान करने में सक्षम है या नहीं। रिपोर्ट के अनुसार भारत बायोटेक के एक हैदराबाद के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि WHO सामान्य प्रतीक्षा प्रक्रिया का पालन कर रहा था और कंपनी वो सभी जानकारियां प्रदान कर रही थी जो संगठन के द्वारा मांगी गई। एक बार दी गई जानकारी सभी प्रश्नों को संबोधित करती है। संगठन और तकनीकी सलाहकार समूह इसका मूल्यांकन पूरा करेगा और वैक्सीन को इमरजेंसी उपयोग के लिए सूचीबद्ध करने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।